हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्मस प्लगइन, जो कि एक इमेज कंप्रेसर वाला प्लगइन है, उसे आप सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले जाना है आपको प्लगइन्स में। उसके बाद आपको जाना है सीधा ऐड न्यू पे। जैसे ही आप ऐड न्यू पे जाएगा, वहाँ पे आपको एक सर्च प्लगइन का ऑप्शन मिल रहा है। वहाँ पे आप क्लिक करेगा और वहाँ पे टाइप करेगा स्मस। ये है स्मस, और यहाँ पे आपको अब कर देना है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में लेके चला जाएगा, जहाँ पे आपका सारा प्लगइन्स इंस्टॉल्ड रहता है। यहाँ पे आपको स्मस भी मिल रहा है, वहाँ से आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ये आपको बोलेगा कि आप इसका सेटअप बिगिन कीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेगा बिगिन सेटअप। फिर आपको बोल रहा है ऑटोमेटिक कंप्रेशन, मतलब अगर कोई भी इमेज आपके, आप जैसे ही अपने वर्डप्रेस में अपलोड करोगे, ये तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा। तो आप कर दीजिए इसे ऑन और कर दीजिए नेक्स्ट। फिर ये बोल रहा है एग्जिफ मेटा डेटा, मतलब जैसे आपका फोल्डर का जो साइज़ होता है, फाइल का नेम होता है, वो सबको वो रिड्यूस कर देगा। लेकिन आपके जो वेबसाइट का जो मेटा डेटा है, जैसे हम लोग वेबसाइट में अपना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं, उसको वो रिमूव नहीं करेगा। तो आप इसको ऑन रखिए और यहाँ पे आप कीजिए नेक्स्ट पे क्लिक। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है लेजी लोड। लेजी लोड का मतलब, जैसे आपके वेबसाइट में अगर 10 इमेज है, लेकिन यूज़र आपके पहला 2 इमेज ही देख रहा है आपके ब्लॉग वेबसाइट में, तो जब तक वो ऑफ स्क्रीन जो इमेजेस है नीचे में, जो आपके ब्लॉग के नीचे में जो आ रहा है, वो रिलोड, वो लोड नहीं होगा, वो सारा इमेज लोड नहीं होगा, जिसके कारण आपके वेबसाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसे आप ऑन रखिए और कर दीजिए नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आप इसका यूज़र डेटा चाहता है कि वो कुछ और अच्छा सपोर्ट फीचर आपको प्रोवाइड करें, तो इसे मैं बंद ही रखता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा फिनिश सेटअप विजार्ड पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है कि अब वो सारा इमेज चेक कर रहा है, तो चेकिंग इमेज वाला पोर्सन भी कम्प्लीट हो गया। अब चलते हम लोग आगे। आगे में सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे डायरेक्टरी स्मस में। तो डायरेक्टरी स्मस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है चूज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। चूज रीडायरेक्टरी में ये बता रहा है कि आपका फाइल कहाँ पे स्टोर होगा, स्मस का फाइल। तो यहाँ पे WP कंटेंट में होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आना है आपको इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको गटेनबर्ग सपोर्ट पे इनेबल कर देना है, और उसके बाद नीचे जाके अपडेट सेटिंग्स। इसका हो जाने के बाद आपको जाना है लेजी लोड में। और जैसे मैंने लेजी लोड का सेटिंग कर दिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है मीडिया टाइप्स, जितना भी JPEG, PNG, GIF, ये सबको ये लेजी लोड के साथ ये कर देगा। तो आउटपुट लोकेशन में कंटेंट, विजिट, ग्राविटार्स, ये सब आ रहा है, एनिमेशन, जितना भी कुछ है, ये सब कुछ पहले से ही हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। फिर है यहाँ पे आपका CDN। तो CDN पेड वर्जन है, तो आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा, इसे छोड़ दीजिए। लोकल वेब पी, ये भी प्रो वर्जन में आ रहा है, तो इसको भी कुछ नहीं करेगा। टूल्स में जाएगा, तो टूल्स में जाने के बाद ये आपको बोल रहा है इमेज रिसाइज डिटेक्शन, मतलब तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि आपके वेबसाइट में कोई इनकरेक्ट साइज और इमेजेस है, तो इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने जो भी सेटिंग्स किया था वो सब। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, इंग्लिश, कलर, एसेसिबिलिटी, ये मैं बंद रखूँगा। यूज़र ट्रैकेज, ट्रैकिंग, ये मैं बंद रखूँगा। डेटा, इसको मैं बंद रखूँगा। API स्टेटस, ये सब मैं बंद रखूँगा। यहाँ लास्ट है ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, तो आपका ये सारा काम हो चुका है, आपको अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो वापस आ गया मैं बल्क स्मस में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो सारा सेटिंग्स जो आपने अभी किया था, ये देखिए। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है बल्क स्मस नाउ का, 265 इमेज वो फाउंड किया, तो यहाँ पे मैं करूँगा बल्क स्मस। और इसी के साथ हमने ये पूरा बल्क स्मस ने पूरा मेरा इमेजेस को कॉम्प्रेस कर दिया है, स्मस कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कभी भी स्मस करना हो, अपने इमेजेस को कंप्रेस करना है, तो आप यहाँ से स्मस में जाके डैशबोर्ड में जाएगा और यहाँ से बल्क स्मस नाउ कर दीजिएगा, आपका सारा इमेजेस कंप्रेस हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा स्मस प्लगइन का सेटअप कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग वाला प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।